क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन्स द सेम, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स नीड टू मोर हैव। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स है, वह प्लांट्स को इस तरह लगाना चाहता है कि उसका अगर ये दो रोज में लगाएगा तो दो कॉलम भी होना चाहिए, अगर तीन रोज लगाएगा तो तीन कॉलम होना चाहिए, अगर चार रोज में प्लांट्स को लगाएगा तो उसके पास चार कॉलम होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर एक्स रोज में लगाएगा तो उसको एक्स कॉलम्स चाहिए, तो नंबर ऑफ टोटल प्लांट्स कितना हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, तो एक्स इंटू एक्स बराबर 1000। अब कहता है कि ये अगर 1000 सफिशियंट नहीं है तो कितना और चाहिए ताकि वह इस प्रोसेस को पूरा कर सके, तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर बराबर हो गया कितना, 1000। तो हम लोग क्या करेंगे कि डिवीजन मेथड से इसको क्या करेंगे कि सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, ठीक है, तो ये 6 100। अब देखिए डिवीजन मेथड से जब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे हैं कि जब हम लोग को ज़्यादा चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 times ज़्यादा इसको डिवाइड करते हैं, तो अगर यहाँ 1 से रखेंगे तो यहाँ 61 आएगा, तो 61 आएगा तो कम वाले के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन ज़्यादा वाले के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 2 4 6 2 12 124। तो इसका मतलब हमको 24 प्लांट्स और चाहिए, अगर 24 प्लांट्स और होगा तो हम उसको क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1000 प्लस 24 मतलब 1024 प्लांट्स हो जाएगा। तो अगर हम 1024 प्लांट्स को रोज और कॉलम्स में लगाएंगे तो रूट अंडर 1024 बराबर होता है 32, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में आपको हम बताए हैं कि यहाँ वाला जो नंबर आता है वही आपका स्क्वायर रूट आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 32 रोज और 32 कॉलम्स हमको बन जाएगा। तो हमको कहता है कि हमको कितना और प्लांट चाहिए, तो हमको 124 और प्लांट्स चाहिए ताकि रोज और कॉलम में वो बराबर बराबर लगा सके।